कचरे से बना एटीएम। जी हाँ, जानिए किसने बनाया कूड़ेदान से एटीएम, और ऐसा कौन सा टाउन है जिसका मेयर कोई इंसान नहीं बल्कि एक बिल्ली थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान में भी हुई है बर्फबारी। जानेंगे सब के बारे में इस मजेदार वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपको स्पाइडर वेब के बारे में तो पता ही होगा, जिसे हम मकड़ी का जाल भी कहते हैं, और कई सारे लोगों ने इसे अपने घर में भी देखा होगा। बट द फैक्ट इज, एंशियंट टाइम के ग्रीस और रोम के लोग इस मकड़ी का जाल का उपयोग बैंडेज पट्टी के तौर पर करते थे। मतलब किसी को चोट लगी है और उस चोट के ऊपर वह मकड़ी का जाल लगाते थे, क्योंकि उनका मानना यह था कि इसमें नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल के गुण होते हैं, जिससे घाव को भरने में मदद मिलती है और कोई इन्फेक्शन का भी डर नहीं रहता। और इनका मानना यह भी था कि इसमें विटामिन के होता है। एंशियंट टाइम के लोग, वाओ। फैक्ट नंबर 6। आप सभी ने पिरामिड्स के बारे में तो जरूर सुना होगा और कई सारे वीडियोज में उसे देखा भी होगा, और आप लोगों को यह भी पता होगा कि पिरामिड्स इजिप्ट में होते हैं। बट द फैक्ट इज, इजिप्ट से ज़्यादा पिरामिड सूडान नाम के देश में है, जो कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का एक पार्ट है। और तो और, सूडान इजिप्ट से 1552 किलोमीटर दूर है। सूडान में लगभग 220 पिरामिड्स हैं। फैक्ट नंबर 5। इंग्लिश। I can talk English, I can walk English, I can laugh English, because English is a very funny language. जी हाँ, सर अमिताभ बच्चन द्वारा बोली गई यह बात कुछ लोगों ने बिल्कुल गार्ड बांध कर रखी है, क्योंकि वह इंग्लिश बोलने की चाह तो रखते हैं पर बोल नहीं पाते। मैम, आई डोंट नो के डबल सॉरी लगी है। आई डोंट आई नो आई नीड न्यूज़ बट आई डोंट नो आई सी दिस न्यूज़ बट आई डोंट सी। अरे कहना क्या चाहते हो? ये साथी है, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कल न्यूज़ नहीं देखी। खैर, यह लोग इंग्लिश कब बोल पाएंगे यह तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर इंग्लिश से जुड़ा हुआ एक अमेजिंग फैक्ट जरूर मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में प्रयोग में लाए गए शब्द किस अकेले इंसान ने सबसे ज्यादा बनाए। तो वह थे द वन एंड ओनली विलियम शेक्सपियर। इन्होंने लगभग 1700 ऐसे वर्ड्स बनाए जो आज तक हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 4। ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल में आप तीन लाइट देखते हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। जी हाँ, वह येलो है, ऑरेंज नहीं। तो वह येलो लाइट मतलब क्या, इसका यूज क्या होता है? जैसे रेड का तो हमें पता है, रेड पर रुकना पड़ता है, ग्रीन पर जाना पड़ता है, पर यह येलो का क्या, यह क्यों होता है? यह क्यों होता है, उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि जहाँ सिग्नल होते हैं वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग भी होती है, जो कि पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए होता है। और अगर आपकी गाड़ी जेब्रा क्रॉसिंग पर है या आपकी गाड़ी का टायर भी जेब्रा क्रॉसिंग पर टच हो रहा है, तो वह एक विजुअल ऑफेंस है, मतलब कि आपका चालान कट सकता है। अब आप इमेजिन कीजिए, आप दूर से ड्राइव करते हुए आ रहे हैं और आपका सिग्नल लाइट ग्रीन है, बट आपके जेब्रा क्रॉसिंग पर पहुंचने तक वह लाइट येलो हो जाती है। तो ऐसे में आप अपनी गाड़ी को सिग्नल क्रॉस कर सकते हैं और आप पर कोई चालान भी नहीं होगा। और यह येलो लाइट लगभग 5 सेकंड के लिए चलती है, और इतने में तो आप अपनी गाड़ी क्रॉस कर चुके होंगे। तो इजी मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए इस येलो लाइट का यूज होता है। फैक्ट नंबर 3। दुनिया की सबसे गर्म जगहों में से एक सहारा डेजर्ट, जो कि अपनी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के लिए जाना जाता है। वहाँ उस जगह पर बर्फबारी, शॉकिंग है ना? पर हाँ, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि यह पिछले 48 वर्षों में 5 बार हुआ है। और रिसेंटली 19 जनवरी 2022 जब यह घटना हुई थी, तब तो यहाँ का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। फैक्ट नंबर 2। दुनिया के लगभग आधे ही देशों में लोकतांत्रिकता है, मतलब उस देश को चलाने वाली सरकार को चुनने का हक उस देश की जनता को होता है, मतलब आम आदमी को होता है। और इस आम आदमी की एक बार हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसे किस्से तो आपने कई सुने होंगे, पर मैं आप लोगों को सबसे यूनिक किस्सा सुनाता हूँ। अलास्का के टॉलकिटना नामक टाउन के लोग वहाँ के मेयर मतलब हेड ऑफ द टाउन से इतना परेशान थे कि उन्होंने उसे छिड़ाने के लिए एक स्टब नाम की बिल्ली को इलेक्शन में खड़ा कर दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि वह बिल्ली जीत भी गई। यह बात 1997 की है, और वह बिल्ली 1997 से 2017 मतलब 20 सालों तक वहाँ की मेयर बनी रही। फैक्ट नंबर 1। हमारा भारत देश, जहाँ से बड़े दिग्गज निकले हैं, जहाँ टैलेंट की भरमार है, और इसी टैलेंट को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार भी कई सारी मुहिम को चलाती है। इनमें से एक है इंस्पायर अवार्ड, और इसी इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव नामक गाँव के एक 10वीं क्लास के स्टूडेंट ने घर के बड़े कचरे से ही बना दिया एटीएम। वाओ। इनका नाम है भरत जोगल। इनके इस कारनामे से इंजीनियर्स भी हैरान हैं, क्योंकि इनकी मशीन ओरिजिनल एटीएम मशीन जैसा काम तो करती है, बट इसमें एक खूबी भी है कि यह मशीन नोट्स के साथ साथ सिक्के भी निकालती है। वाओ, हैट्स ऑफ भरत भाई, और हमारे भारत देश के लिए 1 लाख तो बनता है।
ये मजेदार वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।